नारनौंद में सब्जी के दामों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। दाम इतने गिरे हुए हैं कि मजबूरी में इनको पशुओं के आगे डालना पड़ता है, क्योंकि इससे तो किसानों की ढुलाई का खर्च भी पूरा नहीं होता। वहीं किसानों ने कहा कि कोरोना की मार ने उनको मार दिया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। बता दें कि नारनौंद की सब्जी मंडी हिसार की सब्जी मंडियों में काफी बड़ी मंडी है, लेकिन सब्जी के दामों में आई भारी गिरावट के कारण किसान इसकी मार सह रहे हैं। मंडी में है सब्जी के भाव निरंतर गिर गए हैं। धनिया 3 रुपये किलो है, किसान वैसे गिर कर चले जाता है। आलू 18 रुपये किलो धड़ाले से बिक रहा है। किसान का कोई भी सब्जी का भाव ऊपर नहीं है, और नारनौंद की खासकर जो सब्जी मंडी है, पूरे हिसार जिले में सबसे सस्ती सब्जी मंडी है। नारनौंद का किसान लगातार नीचे की ओर आ रहा है, और जो लोडिंग का कार्य है वो निरंतर बढ़ता रहता है, फिर भी किसान ने वो सब्जी मंडी में देनी पड़ती है सस्ते दामों पर। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे हरियाणा का ही किसान डाउन में है, और सरकार ने किसानों की भी चिंता करनी चाहिए। मंडी में आप देख रहे हैं सब्जी इस प्रकार से धनिया पालक गोभी घिया सभी फेंकनी पड़ रही है। सब्जी का पिट रहा जी सारा सौदा जी। आलू क्या भाव चल रहा है? आलू जी ये 12-13 रुपये किलो के भाव हो रहे हैं। और क्या क्या चीज़ें की कमी आ रही है जो सही? अरे एक ही सब्जी पिट रही है जी किसान की तो बुरी हालत हो रही है, कमर टूटती जा रही है रोज़ की रोज़। धनिया 3 रुपये किलो पिट रहा जी, बिक भी नहीं रहा, गऊ के पास जा रहा है सारा। चकोतरा भी 2-3 रुपये किलो, ये बताऊ भी 8-7 रुपये किलो बिक रहे हैं, और टमाटर वगैरह भी 5-7 रुपये किलो पे आ गया है, 15 रुपये किलो बिकने वाला। और जी मिर्ची भी आ गई है 40-50-60 रुपये किलो पे, 70-80 बिक रही थी। गाहक ही नहीं रहेगा तो कहाँ से वो करेंगे। कोरोना वायरस की बहुत तकड़ी मार है जी, मोदी का तो पालन करना पड़ेगा जी, देश का राजा ही कहेगा तो प्रजा नहीं पालन करेगी तो क्या करेगी। हाँ जी, मंडी में ये है नहीं, पहले सामान कंटिन्यू बिकता रहा करता जी, ये जो टाइम की पाबंदी हुई है उसके कारण टाइम थोड़ा है जी, सामान ज़्यादा आ रहे हैं और ये ज़्यादा बेकार ही ज़्यादा जा रहा है। हाँ जी, किसान का तो इसमें लॉस ही है जी, किसान की तो फसल उतनी जितनी चल रही थी, और टाइम होगा कम, मंडियों में टाइम की कमी के कारण सारा सामान तो उतना ही आ रहा है, और फिर फालतू टाइम तो है नहीं, ज़्यादा समय बढ़ जाए तो किसान का भी थोड़ा ठीक हो जाए और मंडी वाला का भी ठीक हो जाए काम। इसलिए बगाना पड़ रहा है कि अंदर दोनों साइड के शटर बंद हो जाते हैं, शटर बंद होने के कारण जो है बाहर ही बिगड़ना पड़ा है, बदबू हो जाए, गिला सीधा भी गया हुआ सामान आ रहे अपेक्षा कम ही आ रहे हैं जी। पहला धनिया 10-12 रुपये करो, 5-6 रुपये बिक रहा धनिया, और वो बिक भी नहीं रहा पूरा, जो देखे गेहूँ खा रही है जी, इसमें भी आप इसका उदाहरण आपके सामने है।